विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुंह से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं, शूलों का मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। हे कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में, खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है, पत्थर पानी बन जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की ये प्रेरणादायी काव्य पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हैं कि विघ्नों, विपत्तियों एवं बाधाओं से घिरा हुआ मनुष्य उत्तम काव्य को पढ़कर या उसका श्रवण करके इन सब पर विजय प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन में एक नवीन अरुणिम सूर्य का दर्शन प्राप्त कर सकता है। नमस्कार, अति सम्माननीय कुलाधिपति महोदय एवं उनके परिवारीजन, अधिशासी समिति के सदस्य, अकादमी समिति के सदस्य, आमंत्रित विशिष्टगण, विश्वविद्यालय निदेशक महोदय, अधिष्ठाता अकादमी एवं शासन प्रबंध, कुल सचिव, माननीय अधिष्ठाता गण, परम सम्माननीय शिक्षक वृंद, गौरव की अनुभूति करते हुए माता पिता एवं ज्ञान विज्ञान की अपार संभावनाओं से परिपूर्ण विद्यार्थी कुल, आज की इस मानव मन की अनगिनत एवं सूक्ष्म भावनाओं को काव्य रूपी मोती में पिरोने वाली इस काव्यांजलि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस सभा के मुख्य आकर्षण एवं विषय केंद्र के रूप में विद्यमान श्री नीलोत्पल मृणाल जी, उनके सहयोगी श्री संदीप शुक्ला जी एवं श्री अमित शर्मा जी का हृदय की अतुल्य गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपकी गरिमामय उपस्थिति समारोह की शोभा में श्री वृद्धि कर रही है। श्री नीलोत्पल मृणाल जी एक प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप पूर्वांचल से संबंध रखते हैं। आपको सन 2016 में भारत देश में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार एवं बिहार गौरव सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। आपने दो प्रसिद्ध उपन्यासों क्रमशः डार्क हॉर्स और ओघड़ की रचना की है, जो कि दैनिक समाचार पत्र के बेस्ट सेलिंग हिंदी पुस्तकों की सूची में सर्वोच्च स्थान पर है एवं वर्तमान में भी उसी स्थान को मजबूती से पकड़े हुए हैं। आपके उपन्यासों की 1,00,000 से अधिक प्रतियों का विक्रय हो चुका है और हिंदी साहित्य में विगत कई दशकों में ये सबसे अधिक स्नेहित पुस्तकों में से एक है। देश के जाने माने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में आपके लेखन को नियमित रूप से पढ़ा जा सकता है। हम सभी आपकी उपस्थिति से अत्यंत हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। श्री संदीप शुक्ला जी देश के बेहतरीन युवा उभरते सितारे के रूप में जाने जाते हैं। देश के प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में इनकी काव्य प्रस्तुतियां अत्यंत सराहनीय रही है। अब हम श्री संदीप शुक्ला जी से आग्रह करेंगे कि वे आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। हेलो हेलो, आप सब अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। मैं जब कैंपस घूम रहा था मुझे लगा कि मैं हिंदुस्तान में नहीं हूं, लेकिन जिस समय पे आप लोग आ रहे हैं उससे मुझे अनुभूति हो गई कि आप यहीं के। मैं अपना परिचय आपसे कराता हूं। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। वहाँ एंटी रोमियो स्क्वाड लागू हो गया तो मैं मुंबई रहने लगा, तो आप मेरा चरित्र भाप ही गए होंगे।
खैर, मैं आपको अपनी यूपी पुलिस के किस्से सुनाता हूँ। यूपी पुलिस का जो संबोधन अदर स्टेट पे है वो क्या है, तुम बड़े तो बहुत बड़े हैं हम, तुम बड़े तो बहुत बड़े हैं हम, बचपन में ही कट्टों से लड़े हैं हम, बचपन में ही कट्टों से लड़े हैं हम। हेलो, हाँ, तुम बड़े तो बहुत बड़े हैं हम, बचपन में ही कट्टों से लड़े हैं हम, तुम क्या जानो हमारे संघर्षों को, बंदूक फेल हुई तो ठाए ठाए पेड़े हैं हम। चलिए, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मेरी भूमिका केवल इतनी है, मेरी भूमिका केवल इतनी है, हमारे यूपी में जैसे कहा जाता है, मैं एक, हमारी शादियों में मैं एक सहीबाला हूँ, दूल्हा कोई और है। तो आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, उसमें जो एड आता है वो मैं हूँ। तो मैं आपको आगे चार चार बंद सुनाता रहूँगा अपने गीतों के, समय की कमी है, मैं वो सुनाकर अपनी जगह लूँगा। आप, प्रेम क्या है, प्रेम में कभी भी एक आदमी को क्षति नहीं पहुँचती, वो हमेशा द्विपक्षीय क्षति होती है, और मैं उससे जोड़ता हूँ आपको कि भोर होगी जो सूरज ढलेगा यहीं, भोर होगी जो सूरज ढलेगा यहीं, ना होना तुम्हारा खलेगा यहीं, ना होना तुम्हारा खलेगा यहीं, प्रेम में आग हम तो यूं ही हुए, प्रेम में आग हम तो यूं ही हुए, दिल तुम्हारा भी लेकिन जलेगा यहीं, दिल तुम्हारा भी लेकिन जलेगा यहीं। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। आज के इस ज़माने में जब टिंडर का राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप है, उस समय प्रेम की परिभाषा क्या है, मैं उससे जोड़ता हूँ आपको। एक प्रेम क्या था जो राम सीता ने किया था, मैं उससे जोड़ता हूँ आपको। प्रेम वैदेही का वनवास है, निर्जीव के जीने की ये आस है, सामने तुम खड़े थे श्रृंगार को, सामने तुम खड़े थे श्रृंगार को, आईने को सवरने का एहसास है, आईने को सवरने का एहसास है। अब मैं यूपी के जिस शहर से हूँ, उस शहर से आपका परिचय करा दूँ। ना गए थे पहले ना जाओगे बाद में तुम, ना गए थे पहले ना जाओगे बाद में तुम, थे कल भी रहोगे कल भी याद में तुम, थे कल भी रहोगे कल भी याद में तुम, जन्नत तो है छोटी जगह, जन्नत तो है छोटी जगह, आओ कभी हमारे इलाहाबाद में तुम। प्रयागराज की आवाज़ आ रही है, मैं इस प्रयागराज से जोड़ता हूँ आपको कि राम के भजनों में अली का इरशाद खो गया, राम के भजनों में अली का इरशाद खो गया, गंगा जमनी तहजीब का जिंदाबाद खो गया, गंगा जमनी तहजीब का जिंदाबाद खो गया, कितना मौन रहूं अब रहा नहीं जाता, इस प्रयागराज की सियासत में मेरा इलाहाबाद खो गया। और अब समय की कमी है, समय की सीमा है, मैं मंच पे इनवाइट करना चाहता हूं द लेजेंड ऑफ द एरा नीलोत्पल मृणाल, जोरदार तालियों के साथ। माँ शारदे को नमन करता हूँ, आप सब की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हिंदी कविता की ओर से, साहित्य की ओर से, और विशेष सर आभारी हूँ मैं मोदी सर का कि आपने ऐसे वातावरण में मेरी कविता की यात्रा को, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं लेकिन यात्रा के शुरुआत में ही मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने जो कुछ अच्छे जगहों पर जो मुझे सुनाने का मौका मिला है, आज उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ दिन मेरा है जब मैं आप लोगों के सामने अपनी कविता यहाँ पर सुनाऊंगा। और थोड़ा सा वॉल्यूम जरा सा बढ़ा देंगे, मतलब मुझे अमित ठीक है। और सर, अगर आप इस यूनिवर्सिटी को देखें एरियल व्यू से, ऊपर से ड्रोन से, तो वो कमल के आकार का दिखता है, मैंने देखा गूगल पे जब, और नीले नील कमल के आकार का दिखता है। और संयोग देखिए कि मेरा नाम नीलोत्पल है जिसका अर्थ होता है नील कमल, तो ब्लू लोटस जिसे कहते हैं। तो आज
कहा जाता है कि धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि एक मैंने अच्छा विचार सोचा तो मैंने एक कदम बढ़ाया, उसके बाद मैंने कुछ अच्छे शब्द कहे तो मैंने दूसरा कदम बढ़ाया, उसके बाद मैंने कुछ अच्छे कर्म किए, ये मेरा तीसरा कदम था और मैं जीते जी स्वर्ग में दाखिल हो गया। तो मोदी सर, आपकी जो संकल्पना है, जो यूनिवर्सिटी है, वो ये वही तीन कदम है जो आदमी को जीते जी मोक्ष देती है। आपने इस तरह का जो यूनिवर्सिटी, आपको पता हो यहाँ पर लड़कियों का विश्वविद्यालय है ये, और मैं शायद पहली बार ऐसे विश्वविद्यालय में हूँ, लड़कियों के विश्वविद्यालय में। आप लोगों के लिए ये हो सकता है एक सामान्य बात हो कि यहाँ पर हजारों लड़कियाँ पढ़ रही हों, लेकिन अगर आपने हिंदुस्तान का वो परिवेश देखा है जहाँ पर लड़कियों के लिए एवरेस्ट चढ़ना तो आसान होता है लेकिन घर की चौखट को लांघना बहुत मुश्किल होता है, आप भाग्यशाली लड़कियाँ हैं। आप वो भाग्यशाली लड़कियाँ हैं जो बाद में एवरेस्ट फतह कर लेंगी, लेकिन उसके पहले जो सबसे वाला पहाड़ था उसको आप टप कर आई हैं, उसको आप लांग कर आई हैं। इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत अपनी ओर से दुआएं कि आप आगे जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। और मैं अभी आपके विश्वविद्यालय के बृहस्पति भवन, जो आपके शायद विश्वविद्यालय का मुख्य भवन है, वहां पर मैं गया था। वहां जो 8 प्रतिमाएं मैंने देखी, जिसमें भास्कराचार्य हैं, नागार्जुन हैं, बौद्धायन हैं और चरक हैं, इन सब की जो प्रतिमाएं मैंने देखी, तो मुझे लगता है कि ऐसे विश्वविद्यालय से भी अपारा, घोसा और गार्गी जैसी लड़कियां अगर निकलेगी तो वो दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करेंगी। आपको शायद उससे प्रेरणा मिलेगी। और मैं तो चाहूँगा सर, मुझे नहीं पता, मैंने शायद विश्वविद्यालय का अगर पूरा कैंपस नहीं देखा हो तो ज़रूर यहाँ पर गार्गी, अपाला, घोसा, अपरा, इन सब की भी प्रतिमाएं लगनी चाहिए, क्योंकि वही ये यूनिवर्सिटी बना रहा है, वही ये यूनिवर्सिटी दुनिया को दे रहा है, ये जरूर है। मैं गीत से शुरुआत करता हूँ, एक छोटा सा गीत मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। देखिए, हम लोग की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम बड़े हो गए हैं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम बड़े हो गए हैं और बहुत रफ्तार से बड़े हो जा रहे हैं। हम ये भूल रहे हैं कि हमारे हिस्से ईश्वर ने एक जो बचपन दिया था, जिससे हम होके गुजरे हैं, उसको हम बिल्कुल छोड़ गए और इसीलिए हम जटिल से जटिलतम की ओर बढ़ते गए। हम सिद्धि की जमीन छोड़कर प्रसिद्धि की तरफ बढ़ने लगे और दिन ब दिन जटिल होते गए, और जितना जटिल होते गए उतना मोक्ष के लिए भटकते रहे, उतना चाहते हैं कि मुक्ति मिल जाए, भजन करें, भगवान के द्वार पर जाए। हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि अगर थोड़ा सा बचपन बचा के रखते, थोड़ा सा सरल हुए रहते तो बहुत राह आसान हो जाती। मैं उसी बचपन को याद करते हुए आपसे एक गीत से शुरुआत करता हूँ, एक कविता से शुरुआत करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप सब उस बचपन तक पहुँचे जिसको आप शायद, जो आपके जीवन में मिसिंग है, जब आप बड़े होने की होड़ में शामिल होने को अब तैयार हैं, जब आपको हर वक्त ये दबाव रहेगा इससे और बेहतर, इससे और बड़ा, इससे और बड़ा, वहाँ पर एक छोटा सा बचपन। कि कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। देखिए, मैं बहुत भरोसे के साथ इस कैंपस में आया हूँ और जिस तरह का वातावरण यहाँ पर दिखा, स्टीवन एक क्वांटम भौतिक शास्त्री हैं जिनको कि नोबेल मिला था कुछ साल पहले, उन्होंने कहा था कि हम अपने आसपास जो भौतिक वास्तविकताएं हैं उसके फ्रिक्वेंसी से तो ट्यून कर लेते हैं, लेकिन उसके आसपास जो असंख्य वास्तविकताएं हैं, जो हमारे आसपास भटक रही हैं, उससे ट्यून नहीं कर पाते हैं हम। तो जो भौतिक रूप से नहीं दिख रहा है वो इस कैंपस के भी वातावरण में मैंने कल महसूस किया है, और वहां से मैं ये गीत आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कि कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे, अरे वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे। कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और कि जहाँ मन जाते थे जो मन खाते थे,
गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे कि जहां मन जाते थे जो मन खाते थे, गेंदा के फूल से तितली उड़ाते थे कि दोनों हाथ ऊपर करके हवा हवा होना रे, कहां गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन की माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। माटी हम खाते थे, धूल में नहाते थे, सारी धरती थी अपनी कहीं लौट जाते थे। कि हरी हरी घास वाला कोमल बिछौना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था, एक बात जरूर आप ध्यान रखिएगा, मैं अपने गीतों को इसलिए गाता हूं क्योंकि मैं इसको गाना चाहता हूं, मैं कविताएं इसलिए करता हूं कि मैंने और कुछ करना चयनित नहीं किया। जब मैं इस फील्ड में हूं कि मैं मंचों पर कविता पढ़ रहा हूं, इसके लिए मैं पैसे ले रहा हूं, तो हो सकता है कि दुनिया को मेरी मजबूरी लगे, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे पता है कि मैं कविता इसलिए कर रहा हूं, मैं गीत इसलिए गा रहा हूं, मैं लिखता इसलिए हूं क्योंकि मैं ये चाहता हूं, मैंने इसी का चयन किया है। इसीलिए मैं बहुत मन लगा के आपको कुछ सुनाना चाहूंगा आधे घंटे, और मैं उम्मीद करूंगा कि मोदी यूनिवर्सिटी की जो परंपरा है जहां पर हिंदी और उसकी कविताई, उसके साहित्य के लिए जो एक उर्वर जमीन यहां पर तैयार करके आपके विश्वविद्यालय ने दी है, वहां पर मैं आपके लिए भी कुछ चीजें आपके लिए दे पाऊं और कुछ यादें आपके साथ, अच्छी यादें लेकर यहां से जाऊं, ये मैं बहुत उम्मीद करूंगा। कि आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। देखिए बचपन का कितना, रिश्तेदारी की श्रृंखला कितनी बड़ी होती है, हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं अब तो मामा छूट रहे हैं, चाचा छूट रहे हैं। सर आप देखेंगे गर्मी छुट्टियों में अपने बच्चों को ऐसे माता पिता कहते हैं दादी दिखाने ले जाएंगे जैसे बांधवगढ़ भालू दिखाने ले जा रहे हैं, ऐसे मम्मा दादी देखूंगा, दादा से देखने चलना है, दादा देखने चलना कि बांधवगढ़ हिरन देखने जा रहे हो आप। समर वेकेशन और विंटर वेकेशन को दादी दर्शन नानी दर्शन बताते हैं, आप भूल चुके हैं कि आप कितना कट चुके हैं, आप 4G के रथ पर सवार हैं, अचानक आप 6G और 7G के जिस रथ पर सवार होकर निकल रहे हैं ना, हमें पता भी नहीं है कि क्या चीजें छूट चुकी हैं। दादा को देख के लड़का चौंक रहा है, ऐसा होता है दादा, कैसा होता है भाई, उसको लगता है पास्ता होगा, माइक्रोनी होगा। तो वहां पर बचपन ही एक ऐसा बचपन है, अगर वो बचपन आप दे पाए अपने आसपास के बच्चों को, अपने परिवार के छोटे बच्चों को, जो थोड़ा बहुत आप बचा पाए, तो उसकी रिश्तेदारी की ब्रह्मांडीय समीकरण देखिए। कि आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था, अरे कौन नहीं चाहता था हाय मेरा होना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और क्या था बचपन, बचपन के, बचपन की मासूमियत का कंट्राडिक्शन देखिए, उसके विरोधाभास की मासूमियत देखिए, उसका खूबसूरती देखिए। कि चांद तारे तोड़ लेंगे कुछ भी सोच लेते थे, टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि चांद तारे तोड़ लेंगे कुछ भी सोच लेते थे, टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। कि हाथों में था मेरे माटी का खिलौना रे,
वही मेरा चांदी था, वही मेरा सोना रे, कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा साउंड जरा सा अगर थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा सा ड्राई लग रहा है क्योंकि कुछ लोग सुर में गाते हैं लेकिन कभी महिषासुर में गाता है, तो हाँ आप ये उम्मीद ना कीजिए कि भाई ये बेचारा दिल का आहत व्यक्ति अरिजीत सिंह की तरह गाएगा। हमको तो पीपल के लिए गाना है, महुआ के लिए गाना है ना, सखुआ के लिए गाना है ना। आपके ऑडिटोरियम का जो दृश्य बता रहा है, जिस तरह के वैदिक जो है कि वाद्य यंत्र यहाँ पर लगे हुए हैं, शायद आपकी नई पीढ़ियों को सौभाग्य आप तो देख भी पा रहे हैं, नए बच्चे तो समझ भी नहीं पाएंगे। उनका तो ये स्थिति है कि उनको अगर दूध दूहने दे दीजिए सर तो बाल्टी लेकर बैल के पास चले जाता है, और स्थिति ऐसा है, और उसके बाद फिर मोबाइल पर फोन करता है मम्मा, मम्मा नहीं दे रही है। अब मम्मा भी आजकल ऐसी, बेटा ट्राई करो, बी पॉजिटिव, देगी, वो बैल है भैया नहीं देगा तो, लेकिन नहीं है। लेकिन आप, आपको लग रहा है कि आप बहुत प्रगति के रथ पर सवार हैं, आपका बच्चा मोबाइल का पैटर्न खोल देता है तो आपको लगता है आइंस्टाइन पैदा हुआ है हमारे घर में। देखिए ना कितना जीनियस है, कैसे भी करके देते खोल देता है, वो एक दिन सब खोल देगा। आपके परंपरा और विरासत की गैया खोल के भगा देगा, उसको रोकिए, वो जो पैटर्न का अभ्यास कर रहा है ना। अच्छा बहुत लोगों का सर पैटर्न भी ऐसा श्री यंत्र जैसा होता है, ये पता नहीं मोबाइल में क्या खजाना रखे हैं, श्री यंत्र का जैसा पैटर्न रहेगा, मतलब तांत्रिक ही उसको समझ पाए, लेकिन बच्चा आइंस्टाइन खोल देता है। तो ये जो नई पीढ़ी है जो कूपन से रिचार्ज हुए जा रही है और बात करते हुए खर्च हुए जा रही है, इस पीढ़ी के बीच से अगर आपको ऐसा वातावरण में पढ़ने का मौका मिला है तो मैं मानता हूं कि आप भाग्यशाली लड़कियों में से एक हैं जिनको ऐसे वातावरण में, या ऐसे फैकल्टीज जो हैं, आप ऐसे वातावरण में पढ़ रही हैं, आपकी परवरिश ऐसे वातावरण में हो रही है। आप तो देखिए, मैं गीत आप लोग को सुनाता हूं। हम लोग जो 30-35 वाले जो लोग हैं, हम लोग मानते हैं कि हम लोग इक्वेटर पर खड़ी पीढ़ी है, एक दो, एक पैर मकर रेखा की तरफ, एक कर्क रेखा की तरफ, है ना। इधर वर्षा बन, इधर वर्षा हो रही है, इधर आग धधक रहा है, तो हम लोग इक्वेटर पर खड़ी पीढ़ी है। और हमारे लिए सबसे ज्यादा चुनौती यह है कि जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, जिनके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इन सब चीजें बचा के रख पाए। मैं आपके, आपका जो विश्वविद्यालय जिस अवधारणा पर है, मैं उसका एक गीत आपको सुनाता हूं, जो आपको रोज यहां पर शायद समझाता या उस वातावरण से बताया जाता होगा। मैं उस अवधारणा पर आधारित एक गीत आपको सुनाता हूं कि हमारी नई पीढ़ी को क्या बचा के रहना रखना चाहिए। थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, धान गेहूं सरसों वाले पीले हरे खेत रख लो। थोड़ा सा नदी का पानी मुट्ठी भर रेत रख लो, धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो। रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के। पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी, ए दुनिया ऐसी हुआ करती थी। और क्या बचाना, स्कूल के पीछे वाला अमरुद का पेड़ रख लो, पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो। एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल
गुल्लरे भौरे और तितली जहां खेले मिल जुल रे। और क्या बचाना, दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना। लाख सुविधाएं हो जाए, बहुत कमा लेंगे आप लोग, अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा, दूसरे को चिकोटी काट के चिढ़ाइएगा, तेरा तो रह गया। इसके बावजूद भी दादी नानी के किस्से, बाबा की डांट रखना, आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रखना ताखे परवाधी बीड़ी की निशानी रे, रखना ताखे परवाधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे। और गांव में एक मेला रखना, सर्कस वर खेला रखना, चाट वर पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना, ओ याद रखना झाल मुढ़ी में मरचा तूफानी रे, गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे, गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे, पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। होली के रंग बचा लो दिवाली के दीप रे, भोर की अजाने रखना छठ वाले गीत रे, भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे, पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, दुनिया ऐसी हुआ करती थी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं प्रेम पर कविताएं नहीं पढ़ता हूं, इसलिए नहीं पढ़ता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि हम लोग जिस उम्र में हैं, मैं आपको भी बता रहा हूं, प्रेम पर कविताएं डायरी में लिखने पर वक्त बर्बाद नहीं कीजिएगा। आप लोग जिस उम्र में हैं, मैं मानता हूं कि इस उम्र में प्रेम कर लीजिए, कविता के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि जब हो नहीं पाएगा तब इग्नू से करना होगा, तो फिर लिखना कविता, फिर कविता में भी होगा, खत जलाता हूं मैं, लिखता हूं मैं, पानी में बहाता हूं मैं, राग करता हूं, भभूत लगाता हूं, फिर करना होगा वही सब कुछ, है ना। तो इसीलिए मैं वो कर रहा हूं जो शायद मेरी पीढ़ी करने की कोशिश में है, लेकिन उस जद्दोहद में है कि वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। हम कितना अपने हाथ में जो हमारा समय, हमारी विरासत, जो रेत की तरह फिसलते हुए छूटे जा रही है, बस उसको पकड़ने के प्रयास में मैं इस तरह के गीत लिखता हूँ। और मुझे बहुत सुकून है कि मैं युवा, एक ऐसे युवा यूनिवर्सिटी के बीच में अपनी ऐसी गीत को लेकर, अपनी ऐसी कविताओं को लेकर आया हूँ। और आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं कि नहीं, एक बार मुझे बताइएगा, जरा सुन रहे हैं तो बिल्कुल सही। मैं विश्वविद्यालय की लड़कियों के लिए गीत गाना चाहता हूं, जो मैंने कल रात लिखा यहां आने के बाद। मुझे लगा कि ये मेरा कर्जा है आप मेरे सर पे, आपका, कि आपने ऐसा वातावरण दिया है, और आप वो लड़कियां हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हम अपनी सभ्यता की दौड़ में कितने प्रकाश मील आगे बढ़ गए हमें नहीं पता, लेकिन अपनी मानसिकता में बहुत प्रकाश मील पीछे हैं। हिंदुस्तान में साइकिल और स्कूटी चलाने को नारी सशक्तिकरण का पर्याय माना जाता है। भाई मिश्रा जी की लड़की स्कूटी चलाती है, अब वुमेन इंपावरमेंट आ गया।
इनको लगता है कि स्कूटी चलाना ही वुमेन एम्पावरमेंट है, नारी सशक्तिकरण है ना। तो वहां पर ऐसे समाज में जहां पर इतना भरी नारी सशक्तिकरण माना जाता है, जहां कमाने वाली लड़कियां काबिल कम चालू ज्यादा कहलाती हैं, उस खराब समाज के वर्ग को भी जवाब देना है लड़कियों आप सबको, है ना। वहां से आप लड़कियों के लिए लड़ो लड़कियों, भीड़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, भीड़ो लड़कियों, पर्वत के पेट में करके गुदगुदी, पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, सात आसमां चढ़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, भिड़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, भिड़ो लड़कियों, ए पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, सात आसमां चढ़ो लड़कियों, चढ़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, भिड़ो लड़कियों। और देखिए, अब जब आप ऐसे करने लगिएगा तो लोग कहेंगे बुरी लड़कियां हैं, लेकिन जब आपको आपके दादा, आपके अब्बा, आपके आपकी माँ जब समझाने लगे कि नहीं बेटी, संस्कृति भी एक चीज है, तब वहां कहना कि हो आंगन की तुलसी रहना। सर, तुलसी कितने गुणों से भरपूर पौधा है, लेकिन उसको हिंदुस्तान का कोई घर क्या कोई दुनिया जानी, उसको एक कोना मिलता है घर का, भले उस पर हम जल चढ़ाए, लेकिन तुलसी को रखने के लिए बस एक कोना मिलता है, इतना गुणकारी पौधा, उसके बावजूद भी उसको घर में कितनी सी जगह, छोटी सी जगह, प्रकृति ने उसके साथ अन्याय किया, इतने गुणकारी पौधे को इतना छोटा स्वरूप दिया। तो सूक्ष्मता का विरोध है स्थूलता के विरोध में, ये लाइन की बनो की बनो आंगन की तुलसी रहना, नए वक्त में बरगद बनना, बनो आंगन की तुलसी रहना, नए वक्त में बरगद बनना, अरे स्वेटर नहीं अब सपने बुनना, अरे स्वेटर नहीं अब सपने बुनना, पड़े जरूरत सरहद चलना, हे चोर जुलम पर कड़क कड़क के, हे चोर जुलम पर कड़क कड़क के, बनके बिजली गिरो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, भिड़ो लड़कियों, ओ लड़ो लड़कियों, भिड़ो लड़कियों, पीठ पे ला दे तुम देखो पामीर की पठार चलो, इतना मजबूत। दुनिया में पहली बार जब एक आदि मानव सर एक पुरुष रहा होगा, एक स्त्री रही होगी, और जब स्त्री को पुरुष ने कहा होगा कि तुम गुफा में रहना, क्योंकि स्त्री ने पहली बार जो चमत्कार पुरुष को दिखाया कि वो बच्चा दे सकती है, ये जब पहले आदि मानव ने देखा होगा तो चौंक गया होगा कि ये कैसा चमत्कार है, ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। उसने देखा कि एक स्त्री एक मानव को जन्म दे रही है, वो चौंका होगा, और इसी चौंकने के कारण उसने कहा होगा कि तुम गुफा में रहना, ये अद्भुत सृजन, इसको मैं कैसे छूंगा, मैं कैसे संभालूंगा, ये तो तुमने दिया है। और उसने कहा होगा उसे कि तुम इसे बच संभालना, क्योंकि ये तुमने दिया है, तुम ही जानो ये क्या है, और मैं जा रहा हूं बाहर शिकार करने, खतरे से खेलने। ये एक स्त्री के प्रति पुरुष का पहला प्रेम था, पहला दिन था, यह पहला प्यार था, जब उसने कहा कि तुम गुफा में रहना, इस बच्चे की परवरिश करना, और मैं जा रहा हूं शिकार करने। लेकिन वहीं पर पहला धोखा सभ्यता ने मानवता के साथ कर दी, कि उस प्रेम को पुरुष ने अपना अधिकार समझ लिया कि हम बलशाली हैं, हम शिकार करेंगे, और उस नारी के सम्मान को जिसको परवरिश इसलिए करना था कि उस चमत्कार उसने किया था, हमने उसके लिए कानून और कायदा बना दिया कि तुम घर में रहने वाली हो। ये इतिहास का पहला धोखा है मानवता के साथ, जब स्त्री और पुरुष के बीच ये दीवार खड़ी कर दी गई। तो वहां से
मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है, विश्वविद्यालय के फैकल्टी से पूछिएगा बाद में आप लोग, विद्यार्थियों को कह रहा हूं। हाँ, आप समाजशास्त्र के सर से जब पूछेंगी बाद में तो पता चलेगा कि हिंदी का एक छात्र जो कविता करके गया था उसने बहुत बड़ी बात कह दी थी, और वहां से कि पीठ में ला दे पामिर की पठार चलो, पर्वत काटे तेज नदी की धार चलो, तुम पीठ पे ला दे पामिर की पठार चलो, अरे पर्वत काटे तेर नदी की धार चलो, ए बने हिमालय मुकुट तुम्हारे भाल का, तुम्हारा हिमाचल पर्वत बीर पंजाल का, हो पूर्वा बचिया बचिया पूर्वा बहो लड़कियों, हाय रे बहो लड़कियों, ए पूर्वा बन के पछिया बन के बहो लड़कियों, बहो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, भिड़ो लड़कियों, पर्वत के पेट में करके गुदगुदी सातवास मां चढ़ो लड़कियों, भिड़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, भीड़ो लड़कियों। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक समय है अभी थोड़ा दूर, हम लोग हैं 20 मिनट, आप एक बार तालियों से बजाइएगा, हम लोग 20 मिनट और हैं इस हॉल में आपके साथ, ठीक है। आपको अपने फैकल्टीज के दबाव में कविता नहीं सुननी है, समय बहुत कम है, हालांकि आइंस्टीन कहते हैं कि समय तो एक भ्रम है, हम फालतू के इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि समय भी कुछ है, समय में कुछ होता नहीं है, ये सब एक भ्रम है, और फेसबुक ने इसको साबित करके बता भी दिया है। बिछौना पर लेटे कब 12 घंटा खत्म हो जाता है पता भी नहीं चलता है, जो बात आइंस्टीन नहीं बता सका फेसबुक बताया हमको कि सच में समय तो भ्रम है, कुछ नहीं, एक स्टेटस आया उसी में हम निकाल सकते हैं 48 घंटा 72 घंटा। औसम, अभी तो शुरुआत है, अभी तो बहुत आगे तक जाना है। अच्छा, ये जो पीढ़ी जो फेसबुक और व्हाट्सएप पर है, वहां पर, वहां से मैं अगर आपको निकालूं, कुछ जमीन की बातें हम लोग करते हैं, मैं एक गीत आपको सुनाता हूं। अभी मैं आपके जो दशम मार्ग जो है आपके विश्वविद्यालय का, वहां से आगे जाकर एक झील, एक तालाब सा बना है वहां पर, वहां पर मैं देख रहा था कि कुछ चीजें डेवलप की जा रही हैं वहां, और पेड़ पौधे लगा रहे हैं। अभी मोदी सर बता रहे थे कि 30-32 साल पहले ये पूरा, ये जो आपका कैंपस का जो इलाका है ये बिल्कुल धूसर था, यहाँ पर धूल थी, तो धूल को मिट्टी बनाने वाले लोग ही असली भागीरथी होते हैं। देखिए, धूल और मिट्टी का रासायनिक समीकरण अलग अलग नहीं होता है, आप मिट्टी को धूल समझते हैं कि धूल को मिट्टी, आपके नजरिए की बात है, इसी को कहते हैं दृष्टिकोण। दार्शनिक बड़ा नहीं होता है दोस्त, मैं आपसे कह रहा हूं सर, दार्शनिक बड़ा नहीं होता है, दृष्टि बड़ी होती है। दार्शनिकता में कोई रस नहीं होता, रस दृष्टि में होती है। एक दार्शनिक कुछ नहीं कर सकता अगर उसके पास दृष्टि नहीं हो तो, और इस मामले में पता नहीं इतिहास की क्या विडंबना रही है, पुरुष माना जाता है, ये विज्ञान सिद्ध करता है कि पुरुष की दृष्टि टनल की जैसी होती है, सुरंग की जैसी, वो 40 किलोमीटर दूर सर आपका दुकान खोज लेगा यहीं से बैठ के, हाँ बत्रा जी है आगे, उसको कहिएगा अपने अलमारी में बटन ढूंढने या फ्रिज में बटन ढूंढने तो नहीं ढूंढ पाएगा। स्त्रियों का दृष्टि जो है वो परिधीय होती है, चारों तरफ देखती है, स्त्रियों में विज्ञान की क्षमता है, ये कोई आदर्श की बात मैं नहीं आपको बता रहा हूं, साइंस ये प्रूव करता है कि स्त्री बोलते हुए भी सुन सकती है, सिद्ध करता है भाई साइंस, दो आदमी से बतियाएगी दो का सुन भी लिया, देखो सब कर लेगी एक साथ, पुरुष नहीं कर पाता है एक टाइम में एक काम, बेचारा अभी भ्रष्टाचार में है, अभी कुछ नहीं कर सकता, अभी फेसबुक पे, अभी ट्विटर नहीं हैंडल कर सकता, लड़कियां एक साथ ट्विटर, इंस्टाग्राम, सेवाग्राम दोनों देख लेती हैं, गांधीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों आप लोग एक साथ संभाल लेंगी, तो ये जो ये गुण, ये भाई ये साइंस इसको सिद्ध करता है। तो मैं वो बात थोड़ा इधर आ गई, मैं ये कह रहा था कि ये जो डेवलपमेंट है वही कह रहे हैं कि हम शहरों में हम जिसको धूल कहते हैं गाँव में हम उसे मिट्टी कहते हैं, और इन दोनों का रासायनिक समीकरण अलग अलग नहीं है,
लेकिन कितना बड़ा अंतर है दृष्टिकोण का, कि हम शहर में धूल से बचते हैं कि ये डस्ट है रुमाल लगा के, और गांव में बच्चे मिट्टी में लोट लोट के बड़े होते हैं। ये है धूल और मिट्टी का अंतर, ये है दृष्टि का अंतर एक गांव और एक शहर के बीच का। गांव केवल भूगोल नहीं है, वो एक दृष्टि है। मैं अगर उतरूं अभी इस कैंपस में आऊं और इसके बाहर आके खड़ा हूं, तो एक गांव का व्यक्ति एक शहर का व्यक्ति देखेगा तो पूछेगा कि यहां पर किस तरह की पढ़ाई होती है। एक गांव का व्यक्ति देखेगा तो सबसे पहला पूछेगा कितना खर्चा हुआ इस कैंपस बनाने में। वो बेचारा अपने साथ अपना अर्थशास्त्र लेके आया, उसका पहला उसका ही होगा बड़ा खर्चा, सब संगमरमर है, चूके देखा कि नकली लगवाए हैं मोदी जी, नहीं नहीं असली है। उसका बेचारा एक दृष्टि है, वो उसी से सोचता है। लेकिन अगर शहर का आदमी पूछेगा सर कोर्स के बारे में पहले पूछेगा, तो ये इसका अर्थ कतई नहीं होता है कि गांव का अर्थ दलिद्री होता हो, गांव का अर्थ एकदम वो किसान जो फांसी के फंदे पर झूला हुआ हो। ये एक बनाई गई धारणा है जिसके कारण हम गांव को अक्सर पीछे देखते हैं और अपने अतीत से पीछा छुड़ाने को ही आधुनिकता समझ लेते हैं। मैं भी हाल में एक होटल में गया हुआ था, एक सितारा होटल में, मुझे गले में गमछे रखने के कारण अंदर नहीं जाने दिया गया। ये राष्ट्रीय चर्चा था, आप न्यूज चैनल पर यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे तो मैंने पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा आप। मैंने सफेद गमछा ऐसे कंधे पर एक साइड डाला हुआ था और उन्होंने मुझसे अंदर नहीं जाने दिया, और मैंने 24 घंटे में इसको राष्ट्रीय विमर्श बनाया और लाखों लोगों ने फेसबुक और ट्विटर पर इसको ट्रेंड किया गमछा के साथ, और आज उस होटल ने अपने ड्रेस कोड में गमछा शामिल कर लिया है। तो बात दृष्टिकोण की है, इसलिए मैंने कहा कि हम गांव के लोग दर्शन नहीं दृष्टि की बात करेंगे। मैं एक परिचय देता हूं मिट्टी का, जिस धूल को मिट्टी बनाने की प्रक्रिया के यज्ञ में आप सब लोग लगे हुए हैं, मैं उस मिट्टी की परिभाषा आपको देता हूं एक गीत से। अपना परिचय आपका परिचय, हम कितना भी अट्टालिकाएं खड़ी कर लें, और आप लोगों को लग चाहिए जो पर्चा जब आता है तो आदमी को ये लगता है कि सामने वाला बोल रहा है कि अब खत्म करो लोग मॉब लिंचिंग कर देंगे, लेकिन नहीं, इसमें लिखा हुआ कि बहुत समय है आराम से कीजिएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, नहीं नहीं कोई बात, ठीक है। अमित, ये अमित मेरे साथ हैं, आपके राजस्थान के ही हैं, और हमने इनको कहा कि चलिए भाई मोदी यूनिवर्सिटी में चलते हैं गिटार बजाने, तो अमित बहुत अच्छा बजा रहे हैं, एक बार इनके लिए तालियां बजाएं। पोएट्री में गिटार बजाना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, जो गायक नहीं है उसके साथ बजाना तो सीमा पर लड़ाई लड़ने जैसा है, मतलब अगर कोई गायक नहीं हो उसके साथ कोई म्यूजिक वाला अगर म्यूजिक बजा रहा है, इसका मतलब वो देश के लिए योगदान दे रहा है, और सही बता रहा हूं। जैसे कि कोई कवि नहीं है उसको फिर भी आप सुनते हैं तो आपका योगदान उससे भी बड़ा हो, उसमें भी ऐसा हाव भाव करना कि नहीं नहीं इतना मजा आ रहा है कि पूछो मैं, और बगल वाले से पूछ रहे नाश्ता में जहर है फिर क्या अभी लंच में, ये जो माहौल होता है ऐसा होता है। कई बार मेजबानी के दबाव में भी आपको ताली वाली बजाना पड़ता है, आप इससे मुक्त हो जाइए, मेरा कुछ नहीं लीजिएगा आप, ना भी बजे मेरा क्या जाना, मैं जाके क्या बोलूंगा, दिल्ली में लोग कविता नहीं समझते हैं यार मेरा कुछ नहीं जाना, तो कोई दबाव नहीं लेना आपको, आपको मजा आए तो ठीक, और वैसे भी आनंद क्या है, आनंद आपके अंदर है, फिर दार्शनिक वाला बात वो तो मैं, अच्छा एक पुरुष तो स्त्री को खुश कर ही नहीं सकता है महिलाओं को, तो वैसे भी मैं क्या सुना दूंगा जो आपको अच्छा लगे, आपको खुद से संभालना है कि अच्छा बाबू ठीक कोई बात बढ़िया, हाँ मिट्टी मिट्टी ओके ओके, मिट्टी घास लेमन ग्रास ओके ठीक सब ठीक ये आपको करना है ना। भाई यूथ के साथ बड़ा प्रॉब्लम, मतलब आप जान जाइए कि ये आदमी यार गांव देहात सुनाएगा, सब मैट्रिक है, ये मैट्रिक पास आउट है, क्यों मिट्टी ग्रास लेमन ग्रास, मैं घास पे सुनाऊंगा तो भाई कॉन्वेंट में पढ़े हुए तो सोचते कि लेमन ग्रास पे कुछ सुनाए, तो ये जो होता है वहां से मैं मिट्टी का परिचय आपको देता हूं, आपको लगे, क्योंकि आप मुझे पूरा यकीन है कि आप जहां से हैं भाई इस देश में है, तो सीमेंट ही जो है 18वीं सदी में बना है पहली बार भारत में, तो उसके पहले के लोग तो मिट्टी के ही होंगे, सीमेंट आया ही इतनी बात है, बाद में 1907 में तो लोहा बना यहाँ, जब टाटा नगर में हमारे यहाँ जो टाटा की फैक्ट्री लगी, तो इसका काल है, क्योंकि जब वैदिक काल के जो रथ थे, जो लोहे के रथ थे,
उसको इसीलिए हमारे दार्शनिकों ने छिपा दिया कि आपके अंदर मिट्टी बचे रहे, लोहा बहुत खोजने के बाद अतरंजी खेड़ा में निकला और हस्तिनापुर में निकला। उस पर भी अभी शोध जारी है। उन्होंने अपने रथ के लोहे इसलिए छुपा दिए कि इसको उठाकर अगर किसी ने हथियार बना लिया तो फिर से हिंदुस्तान कोई महाभारत ना देखे, इसलिए लोहे छुपा दिए गए और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई। मैं वहां से एक गीत उठाता हूँ, वहां से उस पृष्ठभूमि से जहां पर हस्तिनापुर के ऊपर अब फसल उगाई जा रही है और रथ मूसल या सूल कंटक जैसे जो हथियार थे वो मिट्टी के नीचे दाब दिए गए कि आप उससे हथियार ना बना लें। और कभी अगर गलती से अपने इतिहास की खुदाई में अगर आपने वो लोहा निकाल भी लिया तो उससे किसानों के लिए फावड़ा बनाइएगा, उसके हथियार उससे मत बनाइएगा। ये कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे, मिट्टी में सने मिट्टी के बने फिर मिट्टी के हो जाएंगे। पहली बार मैं छात्राओं से दाद ले रहा हूं, हाँ, क्योंकि जानती हैं एक माहौल होता है सर, अमूमन ये माहौल बनाया जाता है कि भाई ऐसे जगहों पर जा रहे हैं लोग कैसे सुनेंगे, लेकिन अगर आपने सुन लिया तो समझिए मेरा यूपीएससी जो क्लियर नहीं हो पाया था जिसके कारण मैंने डार्क हॉर्स जो किताब थी मेरी लिखी मैंने उसी की जिंदगी पर कि मुखर्जी नगर में कैसे लड़के जो है कि आते हैं मुखर्जी नगर अपना आधार कार्ड लेके गाँव का और इतने साल वहाँ रह जाते हैं राशन कार्ड बनवा लेते हैं दिल्ली का मुखर्जी नगर का, हाँ 10 साल 12 साल चलता है सर यज्ञ के जैसा जैसा अभी चल रहा है वहाँ तपोवन में, हम लोग का चलता रहता है एनसीईआरटी ज्योग्राफी फिजिक्स और जो है कि पॉलिटी चलता रहता है दिन रात, एनसीईआरटी करंट अफेयर्स वहां पर चलता रहता है। हम लोग के जीवन में बस एक अफेयर्स होता है वो करंट अफेयर और कोई अफेयर नहीं होता यूपीएससी के लड़कों के लिए, है ना। तो वहां से जो है अगर आप लोग सुन रहे हैं तो समझिए मेरा लिटमस टेस्ट है आज, मैं यूपीएससी पीटी तो कम से कम करके ही जाऊंगा यहां से अगर आप लोगों ने सुन लिया तो। कि हम मिट्टी के लोग हैं बाबू, मिट्टी ही सदा उड़ाएंगे, मिट्टी के बने मिट्टी के सने फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और क्या करेंगे मिट्टी वाले लोग कि कोई जब आग लगेगी दुनिया में दे मिट्टी उसे बुझाएंगे, जब आग लगेगी दुनिया में दे मिट्टी उसे बुझाएंगे, जब भूख से दुनिया रोएगी मिट्टी में फसल उगाएंगे, जब भूख से दुनिया रोएगी मिट्टी में फसल उगाएंगे, उसी मिट्टी से कोड़ेंगे सोना, उसी मिट्टी से कोड़ेंगे सोना, माथे का मुकुट बनाएंगे, मिट्टी के बने मिट्टी में सने फिर मिट्टी के हो जाएंगे। और जो मैंने बात कही कि हमने लोहा क्यों हस्तिनापुर में दबा दिया और उसके ऊपर क्यों फसल उगाई, वहां से मैं उठाता हूं कि कोई घर जो अंधेरा देखेंगे मिट्टी के दिए से भर देंगे, कोई घर जो अंधेरा देखेंगे मिट्टी के दिए से भर देंगे, चौखट पे रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे, चौखट पे रखी तलवारों को पिघला कर मिट्टी कर देंगे, उसी मिट्टी से लीपेंगे आंगन, उसी मिट्टी से लीपेंगे आंगन, मिट्टी के कलश बनाएंगे, मिट्टी के बने मिट्टी में सने फिर मिट्टी के हो जाएंगे, फिर मिट्टी के हो
जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग भावुक हो गए हैं, मैं जान रहा हूं, लेकिन जबरन नहीं होना है। मैं अभिनेता मतलब एक्टर भी हूं, मैं भी अभिनय पकड़ता हूं। एक ही व्यक्ति बाबा बैठे हुए सर संस्कृत डिपार्टमेंट से हैं, सर आप तो समझ ही रहे मेरी बात, हम लोग बाहर में बात कर लेंगे। क्योंकि मुझे बड़ा ये लगता है कि जब मैंने शुरुआत की थी सर ऐसे गीतों से, तो मुझे बताया गया था कि देश के जो युवा हैं, आप जब IITs में जाएंगे, NIT में जाएंगे, तो वहाँ जिस तरह की चीज़ें सुनी जा रही हैं, आप कैसे सुना पाएंगे, लोग कैसे ऐसे गीतों को सुनेंगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप जैसे युवाओं के कारण ये चुनौती जो है मुझे अब मजा देने लगी है। और मुझे अच्छा लगता है कि ऐसे विश्वविद्यालय में ऐसे युवा, और आज तो एक नया अनुभव है कि छात्राएं ऐसे गीतों को सुन रही हैं। और मैं अगर किसानी पर गीत सुनाऊं, मैं मिट्टी पर सुनाऊं, तो ये आपके लिए नया इसलिए नहीं होना चाहिए। मैं संथाल पगना झारखंड में रहता हूं, और वहां की पूरी कृषि परंपरा, जहां भी भारत में जो ग्रामीण सभ्यता है, वहां की पूरी कृषि परंपरा, पूरे घर की परंपरा महिलाओं पर ही आश्रित है। वहां पर पुरुष आपको धान काटते रोपते नहीं दिखेंगे। इस धरती को जिसने जनना है, जो धरती खुद रत्नगर्भा है और खुद जननी है, उसको भी अगर उसमें फसल भी रोपना है, तो एक जननी ही वहां पर फसल रोपती है। तो वहां से एक गीत उठाता हूं सर, कि जब ये दुनिया बंजर रही होगी, पूरी तरह से बंजर रही होगी, और जब पहला बीज जल पलावन के बाद फूटा होगा, किसी ने देखा होगा, करे मैंने फावड़ा मारा और कोई पहला बीज निकला है, ये कैसा दृश्य है। जब उसे उसने छू कर देखा होगा कि है क्या, तो वो दृश्य कैसा रहा होगा। आप सभ्यता के उस छोर पर चलिए, जहां पर पहली बार बंजर भूमि से कोई पौधा निकला है, पहली बार कोई बीज फूटा है। हमारे यहाँ जन्मों में बच्चों के जन्म पर सोहर सुनाए जाते हैं। आपके यहाँ राजस्थान में गाया जाता है सोहर, बच्चों के जन्म पर, बच्चियों के जन्म पर? पूर्वांचल में उसे सोहर कहते हैं। अब देखिए कि पहली बार एक धरती से कुछ जन्मा है, और उसको देख कर एक किसान, एक मजदूर, जिसके हाथ में एक फावड़ा है और जिसके हाथ में लकीरों के सिवा कुछ भी नहीं है, उस लकीरों में भी कुछ भी नहीं है, वो क्या सुन के गाता है। अरे धरती, अरे धरती, बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, अरे सोहर गाओ। उसने देखा, अरे धरती, बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, सोहर गाओ। अरे नर्तक प्रिय मयूरो बाबो, जो जंगल का आदमी है, नर्तक प्रिय मयूरो बाबो, पंख खोल कर चवर डोलाओ। धरती, अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं, अरे सोहर गाओ, अरे सोहर गाओ। और क्या कहता है, चांद के कान छेद कर उसमें पहना दो गेहूं की बाली, चांद के कान छेद कर उसमें पहना दो गेहूं की बाली। मैंने दो बार ये लाइन इसलिए गाई, मैंने एक बार गोरखपुर में सर ये गीत सुनाया था मुरारी बाबू को, उन्होंने मुझे सिर्फ इस लाइन के लिए दोबारा गंगोत्री बुलाया, और मैं पूरे कवि सम्मेलन खत्म कर गया, मैंने ये उनको सुनाया नहीं, मैं उतरने लगा तो उन्होंने कहा, यार जिसके लिए बुलाए थे वो चांद वाला एक पंक्ति सुना दो मुझे। और उन्होंने तीन बार मुझसे यही लाइन सुना कि चांद के कान छेद कर उसमें पहना दो गेहूं की बाली। अब नहीं, अब मुरारी बाबू वाला ही तो सेकेंड हैंड नहीं लिया जाएगा, समझना ये है। आप लोग विज्ञान की छात्राएं हैं सर, साइंस टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं चाहता हूं, मैंने यही कहा, मैंने यही बात कानपुर में कही थी IIT में, कि किड्स ने न्यूटन के लिए कहा था कि न्यूटन तुमने इंद्रधनुष की वैज्ञानिक व्याख्या करके उसकी कविता को खराब कर दिया। तो साइंस के विद्यार्थियों को किड्स को जवाब देना चाहिए कि अगर इंद्रधनुष की वैज्ञानिक व्याख्या हो भी जाए तो उससे उसकी कविता खराब नहीं होती है। विज्ञान में भी रस है,
विज्ञान भी सरस है और हमने जितना विज्ञान को रूखा बनाकर दिखाया, इसी कारण से हम लोग रात भर जब चंद्रयान अपनी कक्षा तक नहीं पहुंचता है तो रात भर क्रिकेट मैच के जैसा बैठ के देखते हैं कि अगर धोनी ले लेगा सेमीफाइनल हो जाएगा। ये इस कारण था कि हमने विज्ञान को रूखे तौर पर देखा। हमारे गांव में बैठ कर रिक्शा वाला कह रहा था उस दिन सुबह, इसरो से नहीं हुआ अब दूसरों को लगाया जाए। तो भारत में वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक उपलब्धि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। वैज्ञानिक चेतना आवश्यक है, वैज्ञानिक उपलब्धियां तो एक, अगर आपके पास एक महान ब्रह्मगुप्त आ जाएगा, अगर एक भी आर्यभट्ट आपके पास आ जाए, अगर एक भी भास्कराचार्य आपके पास पैदा हो जाए तो 130 करोड़ की आबादी को वैज्ञानिक उपलब्धियों से भर देगा। लेकिन बाकी के बचे उन तीन को हटा के बाकी के अरबों की आबादी में वैज्ञानिक चेतना का क्या होगा? और विश्वविद्यालय यही करता है, वो वैज्ञानिक नहीं वैज्ञानिक चेतना का विस्तार करता है। विद्यार्थियों का काम यही है कि वो उसकी चेतना के विस्तार को पकड़े। उपलब्धियां तो आपको इसरो दे देगा लेकिन चेतना आपको विश्वविद्यालय देगा, आपकी कक्षाएं देगी, आपके प्रोफेसर्स देंगे, आपके पढ़ाने वाले देंगे, आपके वांग्मय देंगे, आपके वेद देंगे, आपका आरण्यक, आपके पुराण, वहां भी वैज्ञानिक चेतनाएं हैं। ऐसा भी नहीं है कि हर चीज पर जो है कि अब तो ऐसा है कि भाई पुरानी चीजों पर चुटकुलाएं ज्यादा मारक होती हैं। तो आपको बताना है विज्ञान के छात्राओं को भी या छात्रों को भी कि साहित्य विज्ञान के साथ कदम मिलाकर चलता है। ऐसा नहीं है कि आप चश्मा लगा कर अगर गति का नियम पढ़ रहे हैं तो उसके बाद आप में गति ही ना रहे बॉडी में। हाँ सर, साइंस के विद्यार्थियों को देख के लगता है कि भाई ये मनहूस था इसलिए साइंस दिलाया गया। मतलब अगर कोई बच्चा आपके घर में बहुत गंभीर है, रजाई से निकलता नहीं है, कपार पर एनसीईआरटी रखा है बहुत की, तो घर वालों को लगता है यार इसको साइंस दिलवाओ। वो इससे नहीं पूछते 103 डिग्री बुखार है इसलिए इसे सोया हुआ है, नहीं नहीं गंभीर है, साइंस पढ़ेगा। ये अपने बुआ की शादी में नहीं जाना चाहता, साइंस पढ़ेगा, बहुत बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस है। अरे सीरियस है, एम्बुलेंस बुलाओ, वो वाला सीरियस नहीं है, बीमार है भैया। तो हमेशा लगता है कि चश्मा जो है साइंस पढ़ने वालों का एडमिट कार्ड है, आई कार्ड, चश्मा लगाया। अच्छा अच्छा, आप हिस्ट्री नहीं पढ़ते होंगे ना, उसमें देखना ही क्या है, उसमें तो बड़ी बड़ी चीजें देखनी पड़ती है, हड़प्पा की खुदाई देख लिया, कुतुब मीनार देखा, उसमें चश्मा लगता नहीं है, चश्मा साइंस के साथ। तो मनहूसियत और विज्ञान को भारत में इस तरह से गुत्थम गुत्था कर दिया गया कि हम लोग नहीं पढ़ पाए विज्ञान, और आपको भी लगता होगा साइंस पढ़ रहे हैं। अब छात्राएं जो साइंस पढ़ रही है इनको समझाते होंगे घर में, साइंस पढ़ती हो लिपस्टिक ना लगाया करो, लगोगे ही नहीं वैज्ञानिक, फिर चंद्रयान पर फिर लिपस्टिक लग जाएगा। ऐसा नहीं है, है ना, कि भाई आप विज्ञान पढ़ रहे हैं आप शैंपू ना करिए, शैंपू नहीं करना, साइंस की मैं छात्रा हूं, मैं शैंपू नहीं करती हूं, ब्रह्म कुमारी लगाती हूं अमृत। तो वो आपको ऐसा बताया गया, यही कारण है कि हम लोग भागे बचपन से। हमें लगा विज्ञान तो निरस होता है, हम तो क्रिकेट खेल रहे हैं, हम तो अंताक्षरी खेलते हैं, हमें साइंस नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर किसी मोहल्ले में झगड़ा करके आ गया तुरंत पिताजी कहते हैं इसको हिस्ट्री दिलवाना है, राणा सांगा आ गया, चमचमाती तलवार लहराएगा बड़ा होकर, ये घोड़ा खरीद देता है बुलेट, फिर चेतक पर सवार होकर कॉलेज कर रहा है हिस्ट्री का लड़का, मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी हूं। तो ये जो कर दिया गया हमारे साथ, इस कारण से जो है हम वैज्ञानिक चेतना के विस्तार में थोड़ा सा पीछे रह गए, क्योंकि हमें बताया गया जो समोसा खाने के बाद उधार का हिसाब रखता है उसको कॉमर्स दिया गया सर, घर से जो उधारी राशन पानी गांव में लेकर आता था बहुत इसके पास हिसाब रहता है परचून के दुकान का, तीन लमनचूस जो उठा लिया साइड से कॉमर्स पढ़ेगा वो। तो ये जो कर दिया गया कैटेगरी बना दी गई है विद्यार्थियों की, है ना, हम लोग तो यूपीएससी करने आए थे तो हमारी प्रतिभा पर घर वालों को विश्वास नहीं था, विश्वास था सर पोखराज पर, मूंगा पर, मोती पर, जिन बाबा पर, जख बाबा पर। हमें कभी नहीं कहा गया तुम मेहनत करना, कहा गया ये लोग हैं संभाल लेंगे जाओ, हम लोग सोचे वो हैं ही। बताया गया कि बृहस्पति मजबूत है ये वाला सब्जेक्ट ले लो, बुध मजबूत है तो हिस्ट्री ले लो, मंगल मजबूत है तो साइंस से करो, रसायन शास्त्र से हो जाएगा। हाँ, तो आ गया सिलेबस सर, सीसेट आ गया, सीसेट का एक नया सिलेबस लॉन्च हो गया था, अब उसके लिए कोई भगवान लॉन्च ही नहीं हुआ था भारत में, उत्तरण 2010 में आया था,
अब कोई भगवान इतना नया आया ही नहीं, हम लोग पीटी फेल होने लगे, भागने लगे यूपीएससी से, भाई हो ही नहीं रहा है। घर वाले भभूत दही चीनी सब करके भेजे कि जतरा बन जाए, लड़का कलेक्टर हो जाए। क्यों? क्योंकि हमको बताया गया कि साइंस नहीं, यानी कि तुम जीनियस नहीं, और जब जीनियस नहीं तो तुम्हारा राम, तुम राम के, अब देखो तुम्हारा जो भी होगा। ये हमेशा समझाया गया। लेकिन वहां से मैं फिर आता हूँ साहित्य की तरफ से। मैंने जो पंक्तियां पढ़ी थी वो विज्ञान के खोपचे में आने वाली पंक्तियां नहीं थी, लेकिन दर्शन के लिहाज से वो बहुत कीमती पंक्तियां निकल गई इस ऑडिटोरियम से बाहर। मैं चाहूंगा कि उसको एक बार फिर से आप लपकने की कोशिश करें। कि चांद के कान छेद कर उसमें पहना दो गेहूं की बाली, अरे सप्तऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली, अरे सप्तऋषि से कहो कि लेकर खड़े रहे अक्षत की थाली, अरे कटते झड़ते जंगल में जी, अरे कटते झलते जंगल में जी टिके हुए गुलमोहर गाओ, अरे धरती बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ, धरती अरे बजड़ी पर कोपल फूटे हैं सोहर गाओ, अरे सोहर गाओ, अरे सोहर गाओ, रे धरती सोहर गाओ, रे धरती सोहर गाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। दो चार जो श्रोता हैं वो बहुत कृतज्ञता बेचारे अपनी मेजबानी निभा रहे हैं। मैंने किसी को कहते सुना था, सर शायद कोई एक पारसी ग्रंथ कहीं मैं पढ़ रहा था, वहां पर एक कोटेशन था, एक लाइन लिखा हुआ था कि तुम अगर जीवन में कभी कोई प्रार्थना तुमने नहीं की है, तुमने कभी ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई प्रयास नहीं किया है, तो तुम एक बात करना, एक काम करना कि जीवन में एक बार किसी को धन्यवाद कह देना पूरे हृदय के साथ, तो तुम्हारी सारी जीवन की जो वो कमी थी ईश्वर को याद करने की, इस दुनिया में आने की जो कृतज्ञ होने की, वो पूरी हो जाएगी। तो कृतज्ञता सबसे बड़ी प्रार्थना है, और मैं आप लोगों के प्रति वो धन्यवाद जरूर ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने इतना खूबसूरत वातावरण इस विश्वविद्यालय में बनाया है और इस तरह की परंपरा को विकसित किया है जहां पर इस उम्र के लोग कविता को इतने प्रेम के साथ, इतनी गंभीरता के साथ, बीमारी वाली गंभीरता नहीं, मतलब भाव के साथ अगर सुन रहे हो तो निश्चित रूप से आपके विश्वविद्यालय की डिग्रियां आपके जीवन में कहां कहां कितनी काम आएंगी इसका तो मुझे अंदाजा नहीं, क्योंकि मैं खुद डिग्रियां लेकर बेरोजगार घूमने वाला एक भारतीय युवक हूं, तो मेरा इतना तो मुझे नहीं पता कि मैं पकोड़े पर आज गीत गा रहा हूं कल पकोड़ा बेचूंगा भी क्या, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जरूर कहूंगा कि हर विश्वविद्यालय का अपना एक प्रमाण पत्र होता है जो आपके व्यक्तित्व में दिखता है। जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो वो कागज का प्रमाण पत्र बाद में आता है, आपकी पर्सनैलिटी, आपके संस्कार, आपका आचार, आपका व्यवहार, ये आप उससे पहले आता है, वो प्रमाण पत्र आपको ये विश्वविद्यालय किस तरह से दे रहा है, और आप अपने पीएचडी के दिनों में या आप अपने दीक्षांत समारोह में उस प्रमाण पत्र को किस तरह से ग्रहण करते हैं और उसके बाद इस दुनिया में, इस कैंपस के बाहर निकलते हैं दुनिया जीतने के लिए, वो वक्त बताएगा, और मैं चाहूंगा कि आप उसको अच्छी तरह से ग्रहण करके जाए। मैं आपके लिए एक गीत आखिरी गाकर फिर विदा लूंगा, एक गीत आपके लिए, कि तेरी मेरी सब की, हुआ झाड़ के बजाओ अमित सुभान, कि तेरी मेरी सब की बात लिखेंगे हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे, तेरी मेरी सब की बात लिखेंगे हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे, ओ सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो बढ़ाएंगे तो चंदा नहीं दूर, सूरज के रथ हम चढ़ेंगे जरूर, हाथ जो बढ़ाएंगे तो चंदा नहीं दूर,
चंदा नहीं दूर सूखे बादलों पर, सूखे बादलों पर, सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे। मैं जिस इलाके में हूँ इस इलाके के लिए पंक्तियां हैं कि सूखे बादलों पर बरसात लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। हो माटी की गमक है जी, फीका है गुलाब, नशा धतुरे का है हम, फेल है शराब। रे माटी की गमक है जी, फीका है गुलाब, नशा धतुरे का है हम, फेल है शराब, फेल है शराब। पीपल महुआ शीशम और, पीपल महुआ शीशम और पलाश लिखेंगे, पीपल महुआ शीशम और पलाश लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। अंतिम बंद है आपके हौसलों के लिए कि जब आप यहां तक आ गई हैं तो अब ये मत सोचिएगा कि आपके कैरियर का रास्ता किधर जाएगा, क्या होगा, क्या आप आगे करेंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स भी जब हम पढ़ते तो हम कहते हैं ना कि रिकार्डो कहता है कि लगान तो जोखिम का पुरस्कार होता है, तो अपनी जिंदगी से जो आपको लगान वसूलना है वो आपके जोखिम का पुरस्कार है, खतरे का पुरस्कार ही असल में जीवन का दिया गया उपहार है। जिसका जितना बड़ा संघर्ष, जितना विराट लक्ष्य, उतना विराट उतना विस्तृत रास्ता। तो दुख और संघर्ष को कभी विक्टिमाइज होकर सहानुभूति के तौर पर मत देखिएगा, और ये सोचिएगा कि अब यहां से सफर जो शुरू होता है। हौसले की नैयाब दिए हैं उतार, हमसे किनारा नहीं पूछो रे मल्हार, मत पूछो रे, मत पूछो रे मल्हार। बहती नदी पर कोई बांध लिखेंगे, बहती नदी पर कोई बांध लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे। एक बार मेरे साथ कहिए, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे, हम ही तो कल इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे जी, इतिहास लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और बोल दीजिए, हम तो इन लोग, हम लोग माहौल बनाते हैं ऐसे ही। अच्छा एक गीत, जब तक कि कुछ व्यवस्थाएं हैं वो हो जाए, एक छोटा सा एक गीत आपको सुनाता हूं, थोड़ा सा मखमली सा। हाँ हाँ, हालांकि मैंने जो भी सुनाया वो इतना भी उबड़ खाबड़ नहीं था, लेकिन एक छोटा सा आपको सुनाता हूं जब तक कुछ व्यवस्थाएं बहाल हो। हाँ बिल्कुल, देखिए, एक व्यक्ति जब आप 7 साल 8 साल के बाद कभी अपने गांव जाएंगी, अपने पुराने दिनों की तरफ जाएंगी, तो वहां से कुछ 2-4 पंक्तियां निकल के आ रही हैं, वो सुनिएगा। अब देखिए, एक व्यक्ति, अब कल मोदी सर अगर आप अपने गांव, ये आपका इलाका है शेखावाटी का इलाका, लेकिन जब आप कलकत्ता से आते होंगे कभी जवानी के दिनों में, 10 साल 12 साल वहां अथक प्रयास किया, मेहनत किया, फिर कभी आए जब यहां कि भाई किसी पर्व त्योहार में चलना है, तो वहां पर क्या वो जहन में आती है वो यादें थोड़ा सा। कि मेरे गांव का बरगद मुझसे सुना रहा था। आप खड़े हैं वहां पे उस पुराने पेड़ के पास जाके, कि मेरे गांव का बरगद मुझसे सुना रहा था हाल, कितनी सखियां झूल के झूला,
चली गई ससुराल हाय, चली गई ससुराल। और देखिए फेसबुक पर 5,000 दोस्त, इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स, हाँ 30-35,000 फॉलोवर्स फेसबुक पर, वहां पर कि किससे दिल का हाल बताएं, केवल कोडिंग कर, केवल कोडिंग कोडिंग, कि किससे दिल का हाल बताएं, किससे लिपट कर रोए हम, किसके कांधे लोरी लिखी है, धर के माथा सोए हम, धर के माथा सोए हम। और देखिए कि अब बहुत ऐसी प्रतिभाएं हैं जिनको इतना अच्छा विश्वविद्यालय नहीं मिलता है सर, वो पढ़ नहीं पाते हैं, कुछ लिखने वाले उनको मंच नहीं मिलता, कुछ गाने वाले उनको मंच नहीं मिलता, ऐसी प्रतिभाएं जो रह गई हैं अपने गांव देहात में, उनके लिए एक पंक्तियां पढ़ता हूं कि जो गमलों में खिलते फूलते कहां कहां सजू जाते हैं, हम जंगल के फूल हैं बाबू, खिले वहीं झड़ जाते हैं, खिले वहीं झड़ जाते हैं। और देखिए अब जब पर्यावरण बदला, जब लोक बदलेगा तो मुहावरे भी बदलने लगे हैं। अभी निपाह वायरस कुछ दिन पहले बड़ी चर्चा में था, फलों को जो चमगादड़ जूठा कर देते थे तो आम के थ्रू वो बहुत ज्यादा फैला था, तो मेरी माँ, मैंने अपनी माँ को कहा कि माँ वो आम जो है कि अब वो जूठा जो है पंछियों का देखना, गलती से खा मत लेना, निपाह वायरस फैला, तो मेरी माँ ने कहा कि अब चिड़िया उड़िया कहाँ दिखती है, तो वहां से मुझे लगा कि ये तो मुहावरे बदल गए, लोक बदल गया मुहावरे बदल गए, कि छींट के दाना सो जाते हैं, अब चिड़िया चुगे न खेत, अरे मेरी गोरैया मर गई शायद फाक के सूखी रेत, हाय फाक के सूखी रेत, कि कहाँ गए पनघट और गोरी, जिसके पिया परदेश, अब तो कबूतर भी नहीं दिखते, भेजे क्या संदेश, हाय भेजे क्या संदेश। लेकिन आपको बधाई, मैं आपके बृहस्पति भवन में गया था तो कबूतर का इतना वहां पर जो अपना कब्जा है, उनकी सल्तनत है कबूतरों की, कि भाई तीन लोग तो कबूतर की जो कृपा हटाने में लगे हुए थे वहां पानी दे देके, है ना, तो ये जो सल्तनत है आबाद रहे, है ना, कबूतरों से घर आपका विश्वविद्यालय जिंदाबाद रहे, और जो सीमेंट संगमरमर में मैंने मधुमक्खियों के छत्ते देखे लगे हुए, ये बताता है कि आपके यहाँ सीमेंट में भी रस है, इसलिए मधुमक्खियों ने वहां अपना बसेरा किया हुआ है, उसको बचाए रखिएगा, उसको हटाइएगा नहीं सर, वही आपके विश्वविद्यालय की खूबसूरती है, वो आर्किटेक्ट है जो आपकी जो गौलित शैली पर जो बनी हुई, जिस तरह से जो आपके विश्वविद्यालय का जो भवन है गौथिक शैली का बना हुआ, शायद ये यूरोपियन शैली है, शायद जो इटली वगैरह के जो ज्यादातर इमारतें वहां जो इस तरह से बनाई जाती थी गौथिक शैली से, जो आपको गुम्बद है, तो मेरे ख्याल से उसमें खास बात ये नहीं है कि वो गौथिक शैली से बना हुआ है जिसमें भारतीयता का समावेश है, उसमें खास बात यह है कि वहां भी संगमरमर में मधुमक्खियों ने रस ढूंढ लिया है और वहां लटकी हुई है, और कभी किसी ने कहा था, आइंस्टीन ने कहा था, दुनिया उस दिन खत्म हो जाएगी जिस दिन मधुमक्खियां खत्म हो जाएंगी, तो आप दुनिया को बचाए रखने वाला एक जादुई जीव जो है, वो जो जीवन है वो आप अपने कैंपस में बचाए हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने प्रेम से, इतने भाव से, इतने स्नेह के साथ मुझे सुना, और मोदी सर आपका बहुत बहुत आभार, आभार इस विश्वविद्यालय के सारे फैकल्टीज का और छात्राओं का और आप सबों का जिन्होंने मुझे अवसर दिया और इस तरह से मैं आपके बीच आ सका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। मिट्टी, खेत, बगिया, तितली, दादी नानी के किस्से, हमारे जड़ों का इतना सुंदर अप्रतिम वर्णन सुनाने के लिए
हम आपके अत्यंत आभारी हैं। आपके काव्य पाठन का रसा स्वादन कर हम अत्यंत भाव विभोर हुए हैं। अब हम डीन एसएलएस एवं प्रभुनाथ तिवारी जी से निवेदन करते हैं कि वे श्री नीलोत्पल मृणाल जी, श्री संदीप शुक्ला जी एवं श्री अमित शर्मा जी का मोदी विश्वविद्यालय के स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। इस सभागार में उपस्थित काव्य रसिक सभी गुणीजन छात्राओं, हमारे बीच नीलोत्पल जी ने इनको देखकर एक ही बात मानस की कर धाली याद आती है, ज्ञानवंत लघु गनी अनरानी। जो गुणी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, उनके बाहरी परिवेश से उनके अंदर की प्रतिभा को समझा नहीं जा सकता। और जहाँ तक आपका जो काव्य का नाम है नीलोत्पल मृणाल, तो कवि और काव्य की परंपरा है। इसमें कालिदास जो हैं, कालिदास के अभिकांत शाकुंतलम में एक रचना है, एक छोटा सा श्लोक है। जब शकुंतला का चित्र बना रहा है दुष्यंत, तो उसने अपने विदूषक मित्र से पूछा कि मित्र बताओ तो ये जो शकुंतला की जो छवि मैंने बनाई है इसमें कोई कमी है क्या? तो उसने एक श्लोक कहा कि मित्र इस काव्य इस तुम्हारे रचना में दो कमियां हैं, आपके काव्य की नहीं उस शकुंतला के उस चित्र में। कृतम न करणार्पित बंधनम सखे शरीष मागंड विलंब केसरम नवाशरचंद्र मरीच कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे। बोला मित्र, तुमने शकुंतला का जो चित्र बनाया है वह निसर्ग की कन्या है, जो जंगलों में प्रकृति की गोद में उस मिट्टी की सौंधी खुशबू लिए हुए पली और बड़ी है, ओ तुम्हारे हस्तिनापुर की राजकन्या नहीं है। तो तुम्हारा जो चित्र है वो राजकन्या की प्रतिकृति है, तुमने उसके कानों में सोने के पीले पीले लंबे लंबे गहने लगाए जो कानों में लटके हुए हैं, लेकिन वो जो केसर की तरह जो पीले पीले फूल होते हैं शीरीष के, जो हवा के झोंके से लहराते हुए उसके गालों पर मकरंद छेड़ जाते हैं और उसके सौंदर्य को कई गुना बढ़ा देते हैं, तूने उसको नहीं बनाया। और दूसरी नवा शरद चंद्र मरीच कोमलम, शरद की चंद्रमा की शीतल किरणों की तरह जो अंतर हृदय को आह्लादित करती हैं, मृणाल वलयम रचितम स्तनांतरे, वे सोने की गहने गले में नहीं पहनती बल्कि वो सहजात निसर्ग में जन्मा हुआ कमल जो नीलोत्पल है और उसके जो मृणाल जो है उसके पतली नाल को मृणाल बोलते हैं। तो तुमने उस मृणाल वलय को उस निसर्ग कन्या के गले में नहीं पहनाया है, तो आज आपने इस वाग्देवी की प्रतिमा को उस मृणाल वलय से अपने काव्य के माध्यम से प्रसन्न गंभीर पदा सरस्वती, देखिए हमारी भारतीय सरस्वती विराजमान है विद्यालय के जिस आंगन में हम लोग खड़े हैं, यह एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी मिट्टी का प्रतीक है। आपने मिट्टी की बात की, मिट्टी के गान गाए, एक वाक्य में वेदांत से कहना चाहूँगा, ऋषि ने कहा वाचारम्भण विकार नाम ध्येय मात्रम मृत्तिका इत्येव सत्यम। देखो संसार में जितनी वस्तुएं हैं सब मिट्टी ही हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, इनके अलग अलग तात्कालिक रूप हैं, लेकिन सत्य तो केवल मिट्टी ही है, मृत्तिका इत्येव सत्य है। मिट्टी के होंगे, मिट्टी के गाएंगे और मिट्टी के ही हो जाएंगे, यह जीवन की वो बड़ी दार्शनिकता है जिसको आपने बड़े ही सहज तरीके से काव्य के माध्यम से पिरोया। और आज के इस आपाधापी के युग में बड़, पीपल, पलाश और महुआ को कौन याद करता है? हमारे जीवन से महुआ, बड़, पीपल, पलाश छूटते जा रहे हैं। नकली वो क्रिसमस ट्री बनता है, वो घर के जितने वेस्ट मटेरियल होता है, जूते चप्पलों के भी आजकल बनने लगे हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल हो उससे बना दीजिए। का हम तैल प्रवाही हो गए हैं, जीवन प्रवाह की अपाधापी में बहुत कुछ खो चुके हैं। खैर, काव्य की यह गंगा गद्यम कवीनाम निकषम वदंत जो कहा गया है,
आकल्पम कवि नूतनाम बुधमयी वर्ष तो कादम्बिनी। ये काव्य की जो बादल है, ये मेघ मालिका है, नित्य निरंतर इस विश्वविद्यालय के आंगन में बरसती रहे और आप सब इस काव्य गंगा में स्नान करते रहें। महाकवि भोज ने कहा, यत् सारस्वत वैभवम गुरु कृपा पीयूष पाकोद्भवम तल्लभ्य कवि नैव नैव हठतः पाठ प्रतिष्ठा जुषाम। यह जो कविता की जो अमृत वर्षिणी धारा है, यह गुरु के कृपा रूपी अमृत से प्राप्त होती है, हठ पूर्वक प्राप्त नहीं होती है, तल्लभ्य और वह कवि को प्राप्त होती है। क्यों? कि कवि असारे काव्य संसारे खलु कवि रे सब प्रजापति, इस पूरे ब्रह्मांड में काव्य जगत का निरंकुश प्रजापति तो कवि ही होता है। तो आपने जिस ढंग से मंच को कॉन्फ्लेग्रेट किया है, जिसको बोलते हैं यू हैव फायर द ऑडियंस, जिसको बोलते हैं, तो रियली यू हैव कॉन्फ्लेग्रेटेड अस। आई वेनी विडी एंड विंसी, आई केम आई सॉ आई कॉन्कर्ड, एंड रियली यू डिजर्व दिस लॉरेल सर, यू आर थैंक मी वेरी मच। हम तो इस ऐतिहासिक क्षणों के गवाह हैं और आपके भीतर जो काव्य की जो एक बड़ी ही मसृण परंपरा है वो मृणाल वलया है, ऐसे ही संपुष्ट होती रहे। और आप ऐसे विद्यार्थियों को जो आपने जो दीक्षांत में नहीं कहा जा सकता, आपने काव्य के माध्यम से बहुत कुछ कह दिया और निश्चित रूप से ये सारे के सारे विद्यार्थी अपने जीवन में इस परंपरा को लेकर आगे बढ़ेंगे, निश्चित रूप से वे जयी होंगे। जहाँ भी जाएंगे ये उस विचारधारा को और अपने अल्मा मेटर को अपने साथ लेकर चलेंगे, जहाँ भी होंगे उनकी पहचान उनके विश्वविद्यालय और उनकी परंपरा मधुवातारिताये मधुक्षरन्ति सिंधवा माधुर गावो भवन्ति नः, ये इस विश्वविद्यालय के इस प्रकृतिमय आह्लादमय मौसम में सर्वत्र मधु विचरित हो रहा है। आवश्यकता है हमें उस मधु का आस्वाद लेने की। आनंद धारा वही से भुवने, कवि रविंद्रनाथ ने कहा, इस प्रकृति में सर्वत्र जो आनंद धारा बह रही है, हम आनंद धारा में गोता लगाएं या किसी निराश होकर जीवन के कोने में बैठ जाएं, यह निर्णय हमारा है। दिस इज आवर चॉइस, वी हैव टू प्रेफर बिटवीन द गुड एंड द एविल। एंड वंस अगेन आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द चांसलर श्री राजेंद्र प्रसाद जी मोदी, हु हैज गिवन मी दिस great opportunity to visit this august organization. Otherwise I would not have seen such a wonderful ambience, university of repute and such a convivial students and the gathering of our galaxy of hosts and everything. I am very much thankful to you. Aur Nilotpal ji, aapke liye it is my beggar's word, I am unable to express my heartfelt gratitude the way you have conflagrated us. Thank you very much. आज का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हमें अतीव प्रसन्नता हो रही है कि हमारे पंच दिवसीय स्थापना दिवस समारोह का एक मुख्य कार्यक्रम काव्यांजलि सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम की तैयारी के दौरान हमें अपने शिक्षक वृंद, प्रबंधन समिति के सदस्य, विश्वविद्यालय के सभी सदस्य और अत्यंत प्रतिभाशाली मित्रों से हर मोड़ पर संबल एवं सहयोग प्राप्त होता रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आज का यह कार्यक्रम सफलता के शिखर पर पहुंच सका है। आपके सतत एवं निर्बाध सहयोग के लिए हम अत्यंत आभारी हैं। हम आप सभी का हृदय के अंतःस्थल से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज की इस सभा में अपनी अनुपम काव्य प्रतिभा से एक नवीन ऊर्जा का संचार करने वाले
काव्य प्रेमी एवं काव्य उपासक श्री नीलोत्पल मृणाल जी एवं श्री संदीप शुक्ला जी के प्रति हम कोटिशः कृतज्ञ हैं। अंत में हम मोदी विद्यालय के दीक्षांत समारोह हेतु दोपहर 2:30 पर पुनः इसी सभागार में आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं। अब आप सभी महानुभाव भोजन हेतु आहार गृह में प्रस्थान करें। धन्यवाद। जय हिंद।